बिल्कुल, रुझानों की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली और देश के सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीट जहां से देश की संसद जिस क्षेत्र में आते हैं, नई दिल्ली सीट की बात करें तो नई दिल्ली सीट में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच मुकाबला देखा जा रहा तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज वो 54,583 वोटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपने वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर बांसुरी स्वराज को पहली बार संसदीय टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इस सीट पर बांसुरी स्वराज 54,583 वोटों से आगे चल रही है। नई दिल्ली एक हाई प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल सीट के अपने अपने मायने होते हैं लेकिन नई दिल्ली इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र में, जिस संसदीय क्षेत्र में देश का संसद आता है, तमाम मंत्रियों के जो दफ्तर हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक लीड लेती हुई दिख रही है। 54,583 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज आगे चल रही हैं। यहां पर जो मुख्य मुकाबला था वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को गई थी और आम आदमी पार्टी ने अपने सीनियर विधायक, सीनियर नेता सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा था और इस सीट पर बांसुरी स्वराज 54,583 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। अंतिम नतीजों के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा लेकिन 50,000 से अधिक का लीड इस वक्त तक ये माना जा सकता है कि लीड आगे मेंटेन रह सकता है या फिर आगे के चरणों में जब वोटों की गिनती होगी तो अगर सोमनाथ भारती इसको मेंटेन कर पाते या नहीं कर पाते उस पर हमारा विशेष तौर पर फोकस होगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के कम से कम जितने नेता हैं वो लगातार कल रात तक भी ये दोहराते रहे कि हम अपने पूर्व के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। हालांकि उनका ये आंकड़ा था कि कई सीटों पे हम 2 लाख से 5 लाख वोटों तक का अंतर हो सकता है, वो अभी तक स्पष्ट होता नहीं दिख रहा।